साथियों, यहाँ पर बड़ा जरूरी है आप लोगों को ये बताना कि अग्निवीर पॉलिसी क्या है। अग्निवीर पॉलिसी के अंदर इन्होंने देश के सैनिकों को दो हिस्सों में बांटने का काम किया है, रेगुलर सैनिक और अग्निवीर। कम ट्रेनिंग, मैं पहले बता चुका हूं, उस कम ट्रेनिंग की वजह से उनकी मेंटली, फिजिकली, क्लाइमेटिकली हर तरह से कम ट्रेंड हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन को इन तीनों कंडीशंस में झेलने के लिए पूरी तरह से वेल ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए हमें आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे हम कह सकेंगे कि ये पूरी तरह से, ये अग्निपथ स्कीम पूरी तरह से गलत है। इस अग्निपथ स्कीम के अंदर एडीजी पीआई ने बड़े कन्वीनियंट तरीके से ये तो बता दिया कि क्या देंगे और उनकी बी टीम ने बता दिया क्या देंगे, लेकिन राहुल जी की जो सवाल बुनियादी सवाल थे, ना उसको फैसिलिटीज, ना पेंशन, ना ग्रेच्युटी, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉलिसी लेटर है ये, टर्म्स एंड कंडीशंस, जहां कहीं पे ये लोग फंसते हैं तो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं। एसी एनवायरनमेंट में बैठकर पॉलिसी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं इन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने बच्चे भेजे फौज में देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। यह मैं अपने हुक्मरानों से कहना चाहूंगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस का हवाला ना दें। इसमें बड़ा साफ साफ लिखा गया है कि अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेच्युटी। डेथ कम ग्रेच्युटी जो है वो शहीद होने के बाद या अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद एक लिमिट सेट की जाती है कि जो भी उसको मंथली पेंशन मिलती है उसका 8 गुना, 12 गुना, 20 गुना ये उनको दिया जाता है इन केस ऑफ डेथ, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ सर्विस। तो ये उनको डिनाई कर दिया गया है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज डिनाई कर दी गई हैं। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, दे विल नॉट बी एंटाइटल टू कैंटीन, स्टोर्स डिपार्टमेंट, सीएसडी सर्विसेज। तो दे विल नॉट बी एंटाइटल टू पेंशन। जो एंटाइटलमेंट उनकी आपने खत्म कर दी इस स्कीम के जरिए, पैसे बचाने के लिए, अपने बिजनेसमैन साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये चीजें उनको डिनाई कर दी गई है। एज लिमिट 17.5 से 21 साल, 17.5 साल में भर्ती और 21.5 साल में अनएम्प्लॉयड, स्ट्रेस स्ट्रेन पूरी तरह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस का, फिजिकल ट्रेनिंग का, ऑपरेशनल ट्रेनिंग का, डिसेबल्ड हो गए तो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए मना कर दिया गया, तो ये डिनायल है। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर फौज का अग्निवीर देश में देश की सेवा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके बाद यह भी कहा गया कि देश के अंदर अब कोई भी रेगुलर भर्ती नहीं होगी, तो आप मान के चलो कि आपके देश की सेना कमजोर होने पे तुली हुई है, मोदी सरकार उसको कमजोर करने पे तुली हुई है।
पे एंड अलाउंसेस, कहते हैं पहले साल उसको 30,000 लमसम दिया जाएगा, उसको ना तो डीए दिया जाएगा, डेयरनेस अलाउंस मिलता है। आपकी अगर 25,000 तनख्वाह है तो 25,000 के ऊपर जो भी डेयरनेस अलाउंस है वो मिलता है, लमसम अलाउंस, जिसमें से 30% वो जो सेवानिधि की बात करते हैं, यहाँ पे 30% सेवानिधि काट ली जाएगी, तो 30,000 की जगह उसको सिर्फ 21,000 में दिए जाएंगे। और ये जो 30,000 जो इकट्ठे किए जाएंगे 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद, उसको 11 लाख में से 5 लाख कुछ अमाउंट बनता है, 5,02,000 सेवानिधि, 5,02,000 उसको उसका इकट्ठा होगा और 5,02,000 उसको सरकार देगी, तो 11 लाख। तो ये हैं एंटाइटलमेंट्स। इसके अलावा कोई भी उनको अलाउंस अलाउड नहीं है, डेयरनेस अलाउंस अलाउड नहीं है। तो साथियों ये है बड़ी ही खतरनाक स्कीम, जिसमें आप ये उम्मीद करते हैं कि 21,000 के अंदर हमारा देश का सैनिक एनरोल होकर 4 साल नौकरी करके वापस आएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, और 4 साल जो वो अपनी सेवाएं देगा तो वो देश के लिए पूरी तरह से लॉयल हो पाएगा। 4 साल में से 6 महीने ट्रेनिंग, 1 साल छुट्टी, 2.5 साल की नौकरी, क्या वो लॉयल सैनिक बन पाएगा, क्या वो ट्रेंड सैनिक बन पाएगा? आज की स्थिति के हिसाब से हमारे देश में 15 लाख सैनिक हैं, 75,000 हर साल रिटायर होते हैं, हमारी सेना की संख्या हमेशा 14,25,000 के आसपास रहती है। इन 75,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट 46,000 अग्निवीर रिक्रूट किए जाएंगे, 46,000 में से 40,000 इस बार आए, जिनमें से 5,000 छोड़ के चले गए, आज 35,000 है। तो इस साल की डेफिशिएंसी 2023 में 40,000, 2020 में, 21 में, 22 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं, 75,000 के हिसाब से 2.25 लाख कम। आज से 5 साल के बाद हमारी फौज 15 लाख से रिड्यूस होकर 10 लाख रह जाएगी। क्या आप अपने देश की फौज को कम होते देखना चाहेंगे? इस 10 लाख में से 2.5 लाख अग्निवीर होंगे, 7.5 लाख रेगुलर फोर्स। 5 साल के बाद हमारे देश की सुरक्षा प्रणाली का क्या हाल होगा, ये मैं इसके जरिए आपको बताना चाहता था। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।